नगर पालिका कर्मचारी संघ व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर दूसरे दिन भी करनाल के इंद्री के नगर पालिका गेट के सामने भूख हड़ताल जारी रखी। इस मौके पर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव व सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव इंद्रजीत चेनालिया ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह हमारा विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में जो हमारे कंप्यूटर, बेलदार, माली, चौकीदार व फायर के कर्मचारी हैं, वे ठेके पर थे। अब ठेका प्रथा बंद कर दी गई है और इन कर्मचारियों को पैरोल पर होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों को विभाग से निकालने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से इन पदों पर काम कर रहे हैं, उनकी सरकार छटनी करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों का शोषण करना बंद करे, अन्यथा प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि इन 3 दिन की हड़ताल के बाद 14 अक्टूबर को जनता के बीच आकर सरकार की पोल खोलने का काम किया जाएगा। इसी प्रकार 28, 29 और 30 अक्टूबर को भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को अंबाला में मंत्री अनिल विज का गहराव किया जाएगा और अगर उनके साथ हमारी कोई सार्थक बात होती है तो इस आंदोलन को स्थगित भी किया जा सकता है। यदि कोई सार्थक बात नहीं होती तो प्रदेश के सभी नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ये आज जो ये प्रोग्राम हमारा कल से जो प्रोग्राम चला हुआ है भूख हड़ताल का, ये एक विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो हमारे कंप्यूटर क्लर्क और बेलदार, माली, पीएन, चौकीदार और ड्राइवर वगैरह जितने भी हमारे फायर के कुछ साथी रह रहे हैं, जितने भी हमारे साथी ठेके पर हैं, अभी 24 मई का जो हमारा समझौता लागू हुआ था उसमें ये बात तय की हुई थी कि जब ठेका प्रथा हमारी ख़त्म होगी है, ठेका बंद कर दिया गया, तो ठेके पर जितने भी कर्मचारी थे सबके सब पेरोल पे होने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अनदेखी करते हुए आज जो हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों की जो ये छटनी की जा रही है, जो बच्चे कम से कम 10-10, 11-11 साल से लगे हुए हैं, आज सरकार उनको निकालने का जो फरमान जारी किया है, इसके विरोध में हमारी 23 तारीख को कन्वेंशन रोहतक में हुई है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की। उसमें ये एक फैसला लिया गया है कि सरकार इन कर्मचारियों का शोषण करना बंद करे, अन्यथा सरकार कर्मचारी एक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। तो हम सरकार से इस मंच के माध्यम से ये मांग करते हैं कि सरकार अपने इस रवैये को ठीक करे, अन्यथा ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि जब पूरे हरियाणा का 32,000 कर्मचारी सारा का सारा रोड पर होगा और इस सरकार के खिलाफ एक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगा, जिसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और इसकी सरकार को इसकी जिम्मेदारी निभानी करनी पड़ेगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से आज ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा का जितना भी कर्मचारी है सारा का सारा आज 6, 7 और 8 की भूख हड़ताल पर है, और जितने भी आगे 13 और 14 को जो अगला प्रोग्राम हमारा है वो पब्लिक के बीच में जाएंगे और इस हरियाणा सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। 28, 29, 30 को हमारा ये 3 दिन की हड़ताल का होगा, उसमें भी हम सरकार के खिलाफ बैठेंगे और अपनी मांगों को लेकर उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को अंबाला के अंदर अनिल विज जी का घेराव करेंगे, अगर उनसे हमारी बातचीत होगी है तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये आंदोलन जो हमारा उठा भी सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई बातचीत नहीं चली, फिर सारा का सारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का जितना भी कर्मचारी है सारा का सारा एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा। जैसे आगे जो भी स्टेट कमेटी का आगे हमारा जो प्रोग्राम आदेश होगा उसके अनुसार फिर हम अगला प्रोग्राम आपके बीच में रखेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।